टीवी रियलिटी शो बिग बॉस इन दिनों ओटीटी पर अपना कमाल दिखा रहा है। शो का कंटेंट दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। वहीं आए दिन हो रहे ड्रामा को देखकर फैंस को एंटरटेनमेंट का फुल डोज मिल रहा है। बीते एपिसोड में बिग बॉस के घर पर खूब हंगामा हुआ, जिसे देखकर फैंस से लेकर बिग बॉस के सदस्यों तक सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल शो के एक टास्क में अविनाश सचदेव ने आकांक्षा पुरी को जैद हदीद को 30 सेकंड तक किस करने का चैलेंज दिया। आकांक्षा ने चैलेंज पूरा करते हुए जैद को 30 सेकंड तक खुलेआम किस किया। इसके बाद से सभी की आंखें खुली की खुली रह गई और सभी देखकर हैरान हो गए। बिग बॉस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब घर के सदस्यों ने खुलेआम ऐसा किया। किस करने के बाद जैद ने ऐसा बयान दिया कि आकांक्षा के फैंस उन पर भड़क गए। शो में ड्रामा यहीं पर खत्म नहीं होता है। हद तो तब हो जाती है जब जैद अविनाश से टास्क के बारे में बातचीत करते हुए कहते हैं कि आकांक्षा एक बुरी किसर है। जैद ने आकांक्षा को किस करने के बाद कहा कि वो एक बुरी किस करती है। ये बात बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। जैद के इस बयान के बाद से फैंस ने उनकी क्लास लगा दी और कहा कि ये सबके सबके मजे ले रहा है। हालांकि टास्क के बाद जैद ने आकांक्षा की तारीफ करते हुए कहा था कि तुम बहुत बहादुर हो और मुझे तुम पर गर्व है। आकांक्षा ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि यह सिर्फ एक टास्क था और मैंने इसे टास्क के तौर पर किया है। आपको बता दें कि आकांक्षा पूरी इस हफ्ते अभिषेक मल्हान और जिया शंकर के साथ डेंजर जोन में है। वो बिग बॉस के नियम फॉलो न करने के चलते इस हफ्ते एलिमिनेट हुई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।